मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पर कार्रवाई, दो लोगों के खिलाफ केस, मुकदमा दर्ज, धोया गया परिसर और हवन पूजन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद एक मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा है। इस मामले में चार लोगों पर केस दर्ज भी हो गया है। ये शिकायत मंदिर प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली से दो लोग मंदिर में आए, दोनों मुस्लिम लोगों ने बिना इजाजत के मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी और अपनी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। FIR में कहा गया है कि इनकी फोटो डालने से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। मामला 29 अक्टूबर का है। फ्रांस में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने भी कई भड़काऊ बयान दिए गए। शायर मुनव्वर राणा से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें कूद पड़े। AMU के छात्र नेता फरहान जुबैरी ने भी एक बेहद भड़काऊ भाषण दिया था। अब इस मामले में योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। भड़काऊ बयान देने के मामले में जुबैरी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही जुबैरी की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। AMU के छात्र नेता फरहान जुबैरी ने फ्रांस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उसने नीस समेत फ्रांस में हुए दूसरे हमलों को सही ठहराया था। विवादित बयान देने के बाद फरहान फरार हो गया। अब इस सिलसिले में अलीगढ़ पुलिस ने उसके खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। लव जिहाद के खिलाफ BJP शासित राज्यों में सख्त एक्शन। UP के साथ साथ हरियाणा में भी सख्त एक्शन लिया गया है, लेकिन ओवैसी ने चला है सियासी कार्ड। हरियाणा के निकिता हत्याकांड के बाद लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही, तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कानून की जानकारी नहीं है। बिहार के कटिहार की सभा में योगी पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा, आर्टिकल 21 क्या कहता है, योगी पढ़े और पढ़कर देश को बताएं। BJP RSS देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काती रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि BJP RSS एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ कहते रहते हैं, जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काई जाए। बिहार में आरोपों का वार और वादों की भरमार, नीतीश ने उठाया जंगल राज का सवाल, तो तेजस्वी का जवाब, रोशनी फैलाएगी लालटेन। शादी के 4 साल बाद अभिनेत्री अमृता राव के घर किलकारियां गूंजी है। अभिनेत्री ने बेटे को जन्म दिया है, माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। अमृता और उनके पति RJ अनमोल के प्रवक्ता की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अमृता राव ने रविवार की सुबह ही बेटे को जन्म दिया था। नए मेहमान के आने से घर में हर कोई खुश है। RJ अनमोल पिता बनकर फूले नहीं समा रहे हैं। अमृता के माँ बनने की खबर अब फैंस को मिल चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। अमृता राव ने गर्भवती होने की बात को लंबे समय तक छिपाए रखा था। 9वें महीने में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। अमृता ने इस बात को छिपाने के लिए अपने फैन से माफी भी मांगी थी।